आप देखिए, जहां भी बीजेपी जाती है, आरएसएस जाती है, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, वहां पे नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। सही बात है, जहां भी जाते हैं भाईचारे की बात, जोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम ये करते हैं, इनका ये डीएनए है, इनको और कुछ मालूम ही नहीं है। असम में जाएंगे लड़ाई कराएंगे करवाएंगे, उत्तर प्रदेश में रायट्स करवा दिए, लड़ाई करवा दी, आग लगवा दी। तो ये जहां भी जाते हैं इनकी शुरुआत नफरत होती है। अब आप देखिए, 7-8 साल पहले वाला हिंदुस्तान याद करिए और आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसको देखिए। आपके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। जिस दिन बीजेपी की विचारधारा बंगाल के अंदर आ गई, उस दिन के बाद बंगाल में आग लगेगी, लगेगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये इतना नफरत फैलाएंगे कि ये जो आपका प्यारा प्रदेश है ये जलेगा। याद रखना मैंने जो बोला है, मैं फालतू बात नहीं करता हूं, मैं सोच समझ के कहता हूं। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा बंगाल के लिए खतरा है, आपके भविष्य के लिए खतरा है और इनको रोकना पड़ेगा। इसीलिए आप हमारे कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन कीजिए, इनको भारी बहुमत से जिताइए। अंत में अंबेडकर जी का जन्मदिन है, कल आपका नया साल शुरू होता है और रमजान का पहला दिन है, तो आपको मैं दिल से बधाई देता हूं।